हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट का नया नोटिस जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे पदों में आप लोगों का रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए एक वैकेंसी रखा गया है, जो ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट फिनेंस के लिए 4 वैकेंसी, उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसी, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक के लिए 2, उसके बाद ईओटी क्रेन ऑपरेटर के लिए 1 वैकेंसी, उसके बाद वायरमैन के लिए 2 वैकेंसी, उसके बाद मशीनिस्ट के लिए 2, उसके बाद मैरिन फिटर के लिए 12, उसके बाद पाइप फिटर के लिए यहाँ पर 4, उसके बाद वेल्डर के लिए 9 वैकेंसी यहाँ पर रखा गया है। तो इसके लिए अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो लोग डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सब के पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब बीई और बीटेक डिग्री आप लोग को होना होगा। उसी के साथ आप लोग के पास यहाँ पर 13 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना होगा। उसको असिस्टेंट मैनेजर के लिए बोला गया कि आप लोग के पास बीबीटेक डिग्री होना होगा। उसके साथ आप लोग के पास यहाँ पर बोला गया कि आप लोग 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना होगा। तो उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है 3 वैकेंसी रखा गया है, तो जिसके लिए यहाँ पर बोला गया कि आप लोग का जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोग को डिग्री पास आप लोग को होना होगा। इसी के साथ जो टाइपिंग स्पीड 30 words per minute आप लोग को होना होगा। उसके साथ 1 ईयर आप लोग को कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना होगा। उसी के साथ यहाँ पर आप लोग को 1 ईयर जॉब ट्रेनिंग इन GSL और अगर आप लोग का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट फिनेंस के लिए 4 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप लोग के पास डिग्री होना होगा इन कॉमर्स में। उस यहाँ पर टाइपिंग स्पीड आप लोग का 30 words per minute आप लोग को होना होगा विथ 1 ईयर का आप लोग को कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना होगा। उसके साथ 1 ईयर आप लोग को जॉब ट्रेनिंग इन GSL और मिनिमम 1 ईयर आप लोगों को यहाँ पर अच्छे एक्सपीरियंस भी होना होगा। तो उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग के पास ITI होना होगा। तो उसी के साथ यहाँ पर आप लोग को 2 ईयर के एक्सपीरियंस भी होना होगा और यहाँ पर आप लोग को 2 ईयर का जो है ट्रेनिंग होना होगा GSL में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग के पास यहाँ पर जो है SSC पास होना होगा। उसी के साथ आप लोग को ITI भी पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ 2 ईयर का आप लोग को पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना होगा। तो उसके बाद क्रेन ऑपरेटर के लिए 1 वैकेंसी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग को SSC पास होना होगा। उसके साथ आप लोग को यहाँ पर जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना होगा। अगर आप लोगों के पास 2 ईयर यहाँ पर जॉब ट्रेनिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद वायरमैन के लिए 2 वैकेंसी, इसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग के पास SSC पास होना होगा। उसी के साथ आप लोग को 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना होगा। अगर आप लोग के पास ट्रेनिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर आप लोग के पास ITI होना होगा। तो उसके बाद मेरिन फिटर के लिए 12 वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग के पास ITI होना होगा। उसके बाद पाइप फिटर के लिए भी यहाँ पर आप लोग के पास ITI क्वालिफिकेशन होना होगा। उसके बाद वेल्डर के लिए यहाँ पर आप लोग के पास क्वालिफिकेशन ITI होना होगा। दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन फ़ीस भी आप लोग को देना होगा, जिसके बारे में यहाँ पर पूरी तरह से बोल दिया गया है कि यहाँ पर जो जो कैंडिडेट सीरियल नंबर 1 और 2 को अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सब के लिए यहाँ पर जो 500 रुपये का एक एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। और यहाँ पर जो 3 से लेकर 12 सीरियल नंबर के बीच पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन सबको यहाँ पर जो 200 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। तो यहाँ पर जो जो कैंडिडेट SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन है तो उनको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बोल देगी कि आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन जो करना होगा वो इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को करना होगा, यहाँ पर www.goacpr.in। तो यहाँ पर आके आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना होगा, वो भी यहाँ पर जो लास्ट डेट दिया गया है वो है 4/2020 के अंदर। दोस्तों, आप लोग को 4/2020 के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद उसको आप लोग को एक प्रिंट ले लेना होगा। तो प्रिंट लेने के बाद आप लोग उसके साथ सभी चीज़ों का डॉक्यूमेंट आप लोग को देना होगा। तो उस हार्ड कॉपी को लेकर उसके साथ आप लोग जो डिमांड ड्राफ्ट देंगे उसको लेकर यहाँ पर आप लोग को सेंड कर देना होगा इस एड्रेस पे, GMHR&A HR डिपार्टमेंट, डॉक्टर BR अंबेडकर भवन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डा गामा, गोवा 40308 02। तो यहाँ पर आप लोग को सेंड कर देना होगा। इसके लिए यहाँ पर जो लास्ट डेट दिए गए हैं वो है यहाँ पर 15/2020 के अंदर आप लोग को इसको जो है हार्ड कॉपी को सेंड करना होगा। दोस्तों, यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी।
उससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।